नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए जनरल साइंस के क्वेश्चन के बारे में, जो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस और स्टेट लेवल में एग्जाम में आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल अकाउंट को दबाइए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक गोल पीपे बैरल को खींचकर ले जाने की अपेक्षा लुटकाना सुगम होता है, क्यों? इसका आंसर है सभी घर्षण स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तुलना में लोटिनिक घर्षण या रोलिंग फ्रिक्शन कम लगता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम कुछ बता देते हैं। पहला, अगर हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब कोई वस्तु किसी धारा तल पर सरकती है तो ऐसी स्थिति से लगे घर्षण को स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। उसके बाद आता है दो नंबर क्वेश्चन। चलिए, दो नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? इसका आंसर होगा पहले की अपेक्षा एक चौथाई होगा। पहले की अपेक्षा एक चौथाई क्यों होगा? ये आपने न्यूटन का नियम पढ़ा होगा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार होगा। आप लोग न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर दोस्तों। क्रिकेट की घूमती हुई बॉल गेंद का वायु में इधर उधर घूमना, जिसको स्पिन बॉल भी कहते हैं। स्पिन बॉल गिरने पर बॉल बल्लेबाज चकमा खा के आउट हो जाता है। उसमें कौन सा थ्योरम काम करता है? उसमें बर्नौली थ्योरम काम करता है, जिसको बर्नौली प्रमेय कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों आप चार नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्या होता है जब जल को 8 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जाता है तो उसमें क्या होता है? इसमें होता क्या, जिसका आंसर है जल का आयतन 4 डिग्री तक कम होता है, फिर उसके बाद बढ़ना शुरू होता है। दोस्तों इसमें कहा जाए, इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, जब जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और 4 डिग्री पर जब रहता है जल का आयतन कम होता है। ये दोनों आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा हुआ भी है और आगे भी पूछ सकता है। उसके बाद आते हैं हम लोग 5 नंबर पर, क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक क्या होता है? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है रेलवे में। क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक होता है 1.52, 1.52। उसके बाद आता है मेंढक के दांत हेमोडेंट, मेंढक के दांत को हेमोडेंट। छिपकली और मेंढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे हेमोडेंट कहते हैं। उससे और रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। चलिए, उसके रिलेटेड कौन कौन क्वेश्चन पूछेगा उसके हम बराबर बताते हैं। इससे आपको पूछ कर सकता है, मनुष्य के दांत को क्या देते हैं? थिकोडेंट। मनुष्य के दांत को हम थिकोडेंट कहते हैं। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं पूछ सकता है, वो 4 प्रकार के होते हैं। 7वां क्वेश्चन पर, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय अभिखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विमंदक छड़े का उपयोग किया जाता है। विमंदक छड़े का प्रयोग किया जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विमंदक छड़े का प्रयोग किया जाता है। चलिए, उसके बाद है पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन एक एंजाइम होता है। इससे आपको एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें पूछेगा सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं तो इसमें और लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। उसके बाद आता है स्टार्च। स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च से संबंधित है ग्लूकोज। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ग्लूकोज का रासायनिक होता है C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। उसके बाद आता है फ्रुक्टोज। आपको फ्रुक्टोज के बारे में पूछ सकता है। फ्रुक्टोज होता है प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है, यह शहद में पाया जाता है फ्रुक्टोज। उसके बाद आता है सुक्रोज। ये मोनोसेकेराइड के दो अणु से मिलकर बना होता है। ये मोनोसेकेराइड के दो अणु डाइसेकेराइड के से निर्माण करते हैं। जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज के दो अणु मिलकर माल्टोज बनाते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलकर सुक्रोज बनाते हैं। उसके बाद आता है डीएनए में क्या होता है? डीएनए में होता है न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए में क्या होता है? डीएनए में होता है न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए में दो पॉली न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नमस्कार।